इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। गुना कैंट थाना अंतर्गत कैंट गोशाला बना असामाजिक तत्वों का अड्डा, जिसमें दारू मुर्गा पार्टी की जाती है। गौ सेवा की आड़ में विश्व हिंदू परिषद विभाग अध्यक्ष सुरेश शर्मा और उनकी पूरी टीम हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में गायों को चारा खिलाने के लिए केंट काजी हाउस गायों की देखरेख और घास खिलाने पहुंचे। वहीं देखा गया कुछ लोग भोजन बना रहे थे। जब उन लोगों से पूछा गया क्या बना रहे हो, उपस्थित व्यक्तियों का कहना था दाल बाटी बना रहे हैं। जब सुरेश शर्मा ने भगोनी को खोलकर देखा तो उसमें मुर्गा पक रहा था। वहां दारू में शामिल सामग्री, चखना, सिगरेट सब कुछ मौजूद मिला। प्रशासन की बड़ी लापरवाही, लोगों ने गौशाला को बना दिया है दारू मुर्गे का अड्डा। धार्मिक स्थलों पर किए जा रहे हैं गलत काम, जबकि कैंट थाने की महज कुछ ही दूरी पर यह गौशाला स्थापित है और यहाँ अक्सर ऐसे कारनामे होते रहते हैं। इधर जो तीन चार लोग बैठे थे उनको देखा तुम क्या कर रहे हो भैया, उनसे पूछा तो मैंने कहा यार कुछ नहीं कर रहे हम तो बाटी बाटी बना रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो बाटी बना, देखो उठा के भगवान देखा उसमें मुर्गा बन रहा है। तो ये गौशाला, ये काजी हाउस जो है मुर्गा और दारू का अड्डा बन चुका है, जिसमें दारू की बोतल रखी है और उसमें भगवानी में मुर्गा बन रहा है और चार पांच लोग बैठे हैं। प्रशासन हमारा पूरा सूरा है, प्रशासन मौन है, प्रशासन का कोई इधर ध्यान नहीं है और प्रशासन इस पर ध्यान रखे, कलेक्टर और सीएमओ इसका ध्यान रखे कि कम से कम गौशाला काजी हाउस के अंदर मुर्गा और दारू के अड्डा ना बने। ये दारू का अड्डा बन के रह गया।